हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं मनीष, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो चुकी है, टाइम कम है। जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया है बच्चों, उन सब स्टडीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए सीएलसी की तरफ से ये डीसीएम टेस्ट सीरीज़ की पहल की गई है, और ये आपके रिविज़न में काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में MTS 2 फिजिक्स एडवांस पैटर्न पेपर को सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है, अ डिस्क ऑफ मास m रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जेंटली कैप्ट ऑन रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, देन आफ्टर व्हाट टाइम इट विल कम टू रेस्ट, रोटेटिंग एक्सिस इज इन वर्टिकल। इसका मतलब ऐसे एक एक्सिस है, इसके अबाउट डिस्क रोटेट कर रहा है और रोटेटिंग डिस्क को ऐसे सरफेस के ऊपर रख रहे हैं। तो जब ये सरफेस के ऊपर ऐसे रोटेट करेगा, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होगा, उसके कारण एक अपोजिंग टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के कारण ये फिर थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, टाइम फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। ये एक डिस्क है और इस डिस्क को बहुत सारे एलिमेंटल रिंग से मिलके बना हुआ मान लेते हैं। रेडियस आर एंड थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंटल पार्ट इज स्मॉल डी आर। ओके, अब देखो बच्चों, इसका टोटल मास एम है। अगर यूनिट एरिया का मास फाइंड करना हो तो क्या लिख सकते हैं, एम बाई पाई आर स्क्वेयर। और इसी को अगर आप इसके एलिमेंटल, ये जो एलिमेंटल रिंग है, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 पाई आर डी आर, तो एलिमेंटल रिंग का मास मिल जाएगा। ठीक है, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आप इसको 2m, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, इसका जो रेडियस है ना, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, ऐसा लिख दिया। तो 2m पाई तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर और यहाँ पर आर डी आर, ये मास है। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को हम लोग म्यू एम जी लिख देते हैं, और इसके लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, डिस्टेंस आर के बराबर हो गया, सी को इंटीग्रेट करना है, डी एम की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। म्यू जी कॉन्स्टेंट है, डी एम के बदले 2m by r square into a की, देखो ये r है और यहाँ पर ये r पहले से, तो r square dr लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से कैपिटल R के बीच, 2 म्यू एम जी by r square, ये सब कांस्टेंट है। इस r square को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो r cube by 3 आएगा, और अपर लिमिट पुट करने पर ये ऐसा बन जाएगा। लोअर लिमिट 0 है तो उसको रखने की जरूरत नहीं, आर स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 2 म्यू एम जी आर बाय 3। अब इसे आई अल्फा के इक्वल कर देते हैं, और आई की वैल्यू, क्योंकि ये डिस्क है तो आई की वैल्यू हम लोग एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा इक्वल्स टू 2 म्यू एम जी बाई 2 म्यू एम जी आर बाई 3। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 म्यू जी डिवाइडेड बाई 3r, कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है ना, 4 म्यू जी बाई 3r, ऐसा लिख दिया, ये एल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा है, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब टाइम फाइंड करना है तो आप ऐसा लिख दो, टी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई एल्फा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 4 म्यू जी, और ये आंसर होगा 3 ओमेगा आर बाई 4 म्यू जी। देखिए कौन सा आंसर है,
थ्री ओमेगा आर बाय फोर म्यू जी, ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू देखो, सेकंड में क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विद एडियाबेटिक एक्सपोनेंट्स गामा इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द लॉ वी इक्वल्स टू ए बाई टी वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द गैस इन द प्रोसेस इफ द गैस टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। यानी अगर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है तो हमें डेल्टा क्यू फाइंड करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल ये वन गिवन है। देखो बच्चों, जो रिलेशन दिया है हम लोग उसको यूज करते हैं। वी इक्वल्स टू ए बाई टी दिया है, या आप ऐसे लिख सकते हो टी इंटू वी इक्वल्स टू ए। अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें तो रिलेशन ऐसा होता है अल्फा माइनस वन टी वी टू द पावर, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या लिखते हैं टी वी टू द पावर गामा माइनस वन। कोई दूसरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो टी वी टू द पावर अल्फा माइनस वन। अब अगर आप कंपेयर कर लो इन दोनों को, ये तो ए कॉन्स्टेंट है, तो कंपेयर करके हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा माइनस वन ये वन के इक्वल हो गया। किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, तो फॉर्मूला ऐसा होता है आर बाय गामा माइनस वन या सी वी माइनस आर बाय अल्फा माइनस वन। अब देखो यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, गामा के टर्म में ही रहने देंगे क्योंकि आंसर सारा गामा के टर्म में है, आर बाय गामा माइनस वन और अल्फा माइनस वन को हम लोग वन लिख देते हैं। आप जब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लेना, सॉल्व करोगे तो गामा आर ये टर्म आएगा माइनस में और टू आर आ जाएगा प्लस में। ठीक है ना, एलसीएम लिया यहां पर माइनस गामा आर और माइनस माइनस प्लस आर, तो टू आर आ गया। अब इन दोनों में से अगर आप आर को कॉमन लेते हो तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, टू माइनस गामा ओवर गामा माइनस वन। सी मिल गया है, डेल्टा क्यू फाइंड करना है, ये होता है एन सी डेल्टा टी, एन की वैल्यू वन, सी तो ये है, इसमें बस डेल्टा टी लगा देना, आर डेल्टा टी इंटू टू माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, और यही आंसर हो जाएगा। ऐसा देखो किसमें लिखा, आर डेल्टा टी टू माइनस वन, टू माइनस गामा ओवर गामा माइनस वन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर। तो सबसे पहले देखें बच्चों क्या लिखा है यहां पर, देखो ध्यान देना, इसमें लिखा सिलिंड्रिकल ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, ये फिगर में दिया हुआ, ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका गिवन है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स बाय टू सिल्वर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द फिगर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस L1 एंड L2, L1 के लिए ये 2 दिया हुआ है और सेकेंड लेंस के लिए 1.5 दिया हुआ है। वेल देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 9 सेंटीमीटर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर एट पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब, इट इज फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, यानी कि इससे जो इमेज बन रहा है वो भी यहीं पर बन रहा है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां से जो बनेगा वो भी इसी पर बन रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू L1। आप एक बार फिगर देखो बच्चों, ये है L1, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कितने दूर होगा इससे वो हमें फाइंड करना है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 और ये 4/3 वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन।
ये 5 सेंटीमीटर दिया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और ये मीडियम मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो है एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन है, तो इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, अगर उसके डबल डिस्टेंस पे रख दें तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगा ना, ठीक है। ये एक मिरर जैसा, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक स्फेरिकल मिरर जैसा बिहेव करता है बच्चों। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है, 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगर किसी लेंस के एक सरफेस को हम लोग सिल्वर्ड कर दें जिससे कि रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो ऐसा हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला। अब देखो, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/FL या लेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2/4/3, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस 1, और फिर इसके बाद एक सरफेस के लिए 1/∞, फिर माइनस माइनस 1/r, और रेडियस क्या दिया है 5। ये फॉर्मूला यूज किया हमने बच्चों, देखो ध्यान देना, एक लेंस के लिए 1/f μ/μ' माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, बस इसमें वैल्यूज को पुट किया और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस ये 1, 2 कट जाएगा, या चलो ऐसे लिख दो 4, ये 2 है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 4/3, या एक काम करते हैं अलग से लिख लेते हैं 3/2 − 1 × 1/5। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से ये कैंसिल होकर के माइनस 1/5, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास क्या आया, 5 सेंटीमीटर नेगेटिव आया। इसका मतलब ये एक कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा पूरा का पूरा सिस्टम। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा हमें, फोकल लेंथ के दोगुने डिस्टेंस पर, यानी कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना होगा, फिर जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं लेंस 2 की। यहां पर 1.5 होगा इस जगह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 9, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, थर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, ऐसा एक सरफेस है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का 4/3, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 9 सेंटीमीटर। हम लोग को फिर से इसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, मिरर के लिए 9 सेंटीमीटर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसका हाफ यानी कि 9/2, ये इसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। कॉनकेव सरफेस है इसलिए माइनस में लिखा है, फिर माइनस 2। अब 1/FL की बात करें तो पहले म्यू माइनस म्यू बाय म्यू डैश, म्यू है 1.5, ये 4/3 माइनस 1। देखो आप इसको 1.5 को 3/2 लिख दो, तो 3/2 और नीचे 4/3, ये 9/8 आ जाएगा क्या, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 9/8 − 1। फिर जो कर्व यहाँ पर है, लेंस का एक सरफेस प्लेन है, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, दूसरे सरफेस के लिए 9, तो 1/∞ − − + 1/9 हो गया, सॉल्व करना है। ये ऊपर −2/9, ये 1/8, तो −2 × 1/8 × 1/9, ये 2 से 1/4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखो −2/9 − 1/9 × 4,
तो ये सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस ही रहेगा, 4 2 8 और 1 9, 9 से 9 कैंसिल, माइनस 4 आ गया। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गया, 4। तो अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, इसके डबल डिस्टेंस पर, यानी कि 8 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये एक पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन है। पहले एक बार पैराग्राफ देख लो क्या लिखा है। अ पार्टिकल इज परफॉर्म एस एच एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, द ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज शोन। यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले आप ग्राफ देखो, एक्सेलरेशन और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। इससे आप कह सकते हो कि ए की जो एक्सेलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 m/s² है, और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड है 2 m। ये समझ में आया बच्चों? यहां पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड, दोनों ऐसा ही मीटर में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। देखो सबसे पहले तो हम लोग ए ओमेगा स्क्वायर, इसको एक्सेलरेशन के मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, ये 2 गिवन है, ये भी 2 गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाएगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, ये पाई लिखा है, ठीक है। तो ये 2π के इक्वल ही होगा, यानी 2π सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। इसमें लिखा है व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम x=0 टू x=2। मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg। ठीक है, तो देखो 0 से 2 पर पहुंच गया, चेंज के लिए मेन पोजीशन पर जो है ना उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और इसको हम लोग ए ओमेगा लिख सकते हैं, यानी 2 m/s² ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है बच्चों, तो ये 1/2 m/2² लिख देंगे। मास की वैल्यू भी 2 ही गिवन है, देखो मास कहीं लिखा होगा ना यहाँ 2 kg/4, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 4 joule, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट सेक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, अ पार्टिकल टाइड एट वन एंड ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर, यानी कि आर रेडियस बन जाएगा, हुज अनदर एंड इज फिक्स्ड, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड इज लैम्डा, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमें करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करना है, देखो क्या क्या लिखा है, टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड, यहां भी टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड, तो एक तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड फाइंड करना है, फिर रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम टेंशन, टेंशन का रेशियो फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम, रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग टू द वेट व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पाथ पर भी टेंशन और उस वक्त वेट का रेशियो। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी को v मान लें, लोएस्ट पॉइंट पर लैम्डा इनटू v होगा, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये 2r डिस्टेंस है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, v² + 2g × 2r = λ² v², ये जो स्क्वायर था ऐसे, आप ऐसे कह लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने यहाँ यूज किया बच्चों, तो जितना वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी होगा वही चेंज इन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेंशन का तो कोई वर्क डन है नहीं,
उससे ये रिलेशन आता है डायरेक्ट, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसके जैसा। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो 4gr इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1v स्क्वायर, इसको नीचे ले आओ फिर स्क्वायर रूट, तो v मिल जाएगा 4gr बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। एक आंसर यहां से मिलेगा। हमें क्या चाहिए था, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड, पहले और दूसरे ऑप्शन में ये लिखा है हाईएस्ट स्पीड, तो पहले और दूसरे ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, हमें मैच कर लेंगे। फिर उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो फाइंड करना बच्चों, यहां पर टेंशन मैक्सिमम होगा, यहां पर टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस टेंशन को टी, इस टेंशन को टी डैश लिख देते हैं, मैक्सिमम बाय मिनिमम, ऐसा है। देखो यहां पर जो टेंशन है टी माइनस एम जी को एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं, तो क्योंकि आप यहां पर क्या लिखोगे, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम v स्क्वायर बाय r, तो इस mg को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा m v स्क्वायर बाय r प्लस mg, और फिर नीचे t डैश है, इसमें t प्लस mg आएगा ना दोनों सेंटर की तरफ, यहां पर m v स्क्वायर बाय r, तो वो mg इधर माइनस में आ जाएगा m v स्क्वायर बाय r। देखो यहां लैम्डा v है, यहां पर v है, माइनस mg। अब v की वैल्यू गिवन है, यहां पे पुट कर देना है, पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। देखो m कैंसल हो जाएगा, लैम्डा इंटू वी स्क्वायर, तो ये होगा 4 जी आर लैम्डा स्क्वायर बाय आर प्लस g, और फिर से ये 4 जी आर बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 आर माइनस जी। ये समझ में आया बच्चों? देखो सिर्फ क्या किया है, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट किया है, ये आर से आर कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल, अब जी सब में कॉमन ले लेंगे, वो भी कट जाएगा, तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और नीचे लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कट गया, यहां वन लिखा है माइनस में, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो एक आंसर ये मैच कर जाएगा। इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। चलो देखो बच्चों, अभी ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान आया, क्वेश्चन में देखो स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पर लैम्डा स्क्वायर तो नहीं था ना, यानी ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, यहां एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो अभी अभी कैलकुलेट किया, यही आया था बच्चों। टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब क्या लिखा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग टू वेट व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर टेंशन और वेट तो mg के बराबर होगा, इस टेंशन को t डबल डैश नाम दे दो, t डबल डैश को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय r, और वेलोसिटी इस जगह की वेलोसिटी को हम लोग v स्क्वायर प्लस 2gr लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट से r डिस्टेंस नीचे है तो v स्क्वायर प्लस 2gr लिख दिया और डिवाइडेड बाय आर, ये टी डबल डैश है। हमें क्या फाइंड करना है, टी डबल डैश बाय एम जी, देखो एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर प्लस टू जी आर बाय जी आर, जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो ये उल्टा आएगा, यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस वन ऊपर आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस वन नीचे आएगा, यानी कि ये उल्टा लिखा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, सेकेंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, टू रेडियोएक्टिव मटेरियल्स ए एंड बी हैव डिके कांस्टेंट 3 लैम्डा एंड 2 लैम्डा रेस्पेक्टिवली एट टी इक्वल्स टू 0, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी आर 4 एन नॉट एंड 2 एन नॉट रेस्पेक्टिवली, देन
अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विल बी इक्वल एट टी इक्वल्स टू लॉग टू बाई लैम्डा और यहां पे लिखा है लॉग फोर बाई लैम्डा, सेम दे आर डिके रेट डिके रेट। अच्छा ये दोनों तो डिके रेट के लिए, यहां पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इक्वल हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले चेक करेंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, देखो अगर पहले ए की बात करें, ए का इनिशियल नंबर था 4n0, ठीक है, डीके कांस्टेंट है 3 लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं ना, एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, बस इनिशियल वैल्यू को 4n0 लिख दिया, और लैम्डा के बदले 3 लैम्डा लिखा है। अब अगर हम लोग बात करें बी की, तो बी में यहां 2n0 हो जाएगा, ठीक है, और लैम्डा के बदले क्या लिखना है, 2 लैम्डा। टाइम फाइंड करना है, n0 से n0 कैंसिल, यहां पे 2 आ जाएगा, लॉग लगा देते हैं, तो लॉग 2 देख लो, इससे ये 2 आया ना, लॉग 2 यहां पर क्या बचेगा, -3 लैम्डा टी, क्योंकि लॉग ln e की वैल्यू 1 होती है, फिर से यहां पर -2 लैम्डा टी। अब इसको आप उधर ले जाओ, log 2 इक्वल्स टू लैम्डा टी बचेगा, है ना, 3 माइनस 2, तो t की वैल्यू हो जाएगी, ये कुछ नहीं है, log 2 by लैम्डा, और log 2 by लैम्डा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है, क्योंकि ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स हैं इसमें, तो हमें बाकी भी चेक करना होगा। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड और थर्ड, देखो बच्चों फर्स्ट तो इसका करेक्ट ही है, सेकंड और थर्ड दोनों में लिखा है डीके रेट विल बी इक्वल, तो इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, डीके रेट यानी एक्टिविटी, और एक्टिविटी को हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू एन, ये दोनों इक्वल है, तो अब टाइम फाइंड करना है, बहुत सिंपल है बच्चों, देखो लैम्डा के बदले यहां पे 3 लैम्डा लिखना है, ये 4n0 e टू दी पावर -3 लैम्डा टी, और इसमें क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा 2n0 e टू दी पावर -2 लैम्डा टी, तो 4n0 इंटू लैम्डा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, अब लॉग लगा दो क्या आएगा, लॉग 3 माइनस 3 लैम्डा टी इक्वल्स टू -2 लैम्डा टी, लॉग 3 इक्वल्स टू लैम्डा टी, टी इज इक्वल्स टू लॉग 3 बाय लैम्डा, यानी लॉग 3 बाय लैम्डा ये थर्ड करेक्ट होगा, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फोर्थ ऑप्शन को देखो, फोर्थ में लिखा है एट टी इक्वल्स टू लैम्डा 4, सॉरी ln 4 बाय लैम्डा, द डीके रेट ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बी। अब डीके रेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं लिख करके आपको बताता हूं, एक्टिविटी ऑफ ए, ठीक है, -3 लैम्डा एक एन नॉट लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं, अब जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है, लॉग 4 बाय ln 4 बाय लैम्डा, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 लैम्डा एन नॉट, और लॉग की प्रॉपर्टी से देखो बच्चों, e टू दी पावर अगर मान लो -a log x ऐसा लिखा हो, तो इसको हम लोग या प्लस a हो x टू दी पावर a लिखते हैं, ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 4 टू द पावर -3, आप इसको सॉल्व करना,
12 लैम्डा एन नॉट बाई 64 आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा एन नॉट बाई 16, ऐसा आ गया। इसी तरीके से अगर आप b का रेट ऑफ डीके फाइंड करोगे, डीके रेट, तो वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ सिर्फ 2 पुट करना है, यहाँ 2 पुट करना है और यहाँ पर 2 पुट करना है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद वो जो आंसर आएगा वो इससे ज्यादा आ जाएगा, यानी कि डीके रेट ऑफ बी वो डीके रेट ऑफ ए से ज्यादा होगा, न कि ए का ग्रेटर होगा। यानी ये जो लिखा है ये गलत लिखा है। जिस तरह से हमने ए की एक्टिविटी निकाली, इसी तरह से आप बी की एक्टिविटी निकालोगे तो वो ज्यादा आएगा। इसका मतलब ए की एक्टिविटी कम है जबकि यहां ग्रेटर लिखा, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दिया है और इस फिगर से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या लिखा है, इन द डायग्राम शोन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, बोथ द रिंग्स आर आइडेंटिकल एंड हैव अ कॉन्स्टेंट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, द लेफ्ट रिंग हैज बीन केप्ट फिक्स्ड। ये वाला जो रिंग है इसको फिक्स्ड करके रखा गया है, फिक्स्ड एट इट्स पोजिशन, एंड द राइट रिंग इज स्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन द लेफ्ट रिंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब ये जो दूसरे वाला रिंग दिख रहा है ये इस तरफ स्लाइड हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस को हमें बारी बारी से चेक करना है। देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एक रिंग रेस्ट में है, तो वो जो रिंग रेस्ट में है उससे जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, दो पार्ट में बट रहे हैं, ये वाले सेक्शन का अगर आप देखोगे एरिया कम हो रहा है, ये वाले सेक्शन का एरिया ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब एक तरफ फ्लक्स बढ़ेगा तो दूसरी तरफ उतना ही फ्लक्स कम होगा। ओवरऑल नेट फ्लक्स सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हो नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, बस कॉन्स्टेंट रेट इसको इधर पुल कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर नहीं करना। पहले ऑप्शन में देखो बच्चों क्या लिखा है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लेफ्ट रिंग इज जीरो। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो रिंग है, इस रिंग के ये वाले पार्ट में जितना फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ये वाले पार्ट में उतना ही फ्लक्स इंक्रीज होगा, नेट फ्लक्स जो है वो जीरो, चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हुआ ही नहीं ओवरऑल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लेफ्ट रिंग का जीरो होगा। इसमें लिखा है दोनों का नॉन जीरो, जब एक का जीरो हो गया तो दोनों का नॉन जीरो कैसे कह सकते हैं, स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर लिखा मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द राइट रिंग इज जीरो। देखो बच्चों, ये लगातार मूव कर रहा है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस मोशन को अपोज करने के लिए इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करें, देखो यहां पे लिखा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लेफ्ट रिंग इज जीरो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये तो मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर इस पॉइंट को आप ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, ठीक है, देखो यहां पर एक पॉइंट ए मान लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट बी मान लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये भी मूव कर रहा है, ये दूसरा पार्ट है ये भी मूव कर रहा है, दोनों के लिए जो मैग्नेटिक लेंथ, यहां पर हम लोग वेक्टर लेंथ लेते हैं, जब फोर्स की बात करें आई L क्रॉस B, तो इसमें ये जो L होता है ये वेक्टर लेंथ होता है, तो इस जगह से इस जगह के लिए इसका लेंथ दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग EMF की बात करते हैं बी वी एल, तो इसमें भी उतना ही EMF ऐसे इंड्यूस्ड होगा, इसमें भी उतना ही EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो होगा एक बार ध्यान दो, एक तो पार्ट ऐसे है, ये पार्ट से इधर और एक पार्ट ऐसे, मैं करंट का डायरेक्शन आपको ड्रॉ करके बता देता हूं,
एक करंट ऐसे होगा, एक करंट ऐसे होगा, एक करंट ऐसे और एक करंट ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हमें सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना है बच्चों। देखो ध्यान देना, जो करंट यहां से जा रहा होगा वही करंट यहां से आएगा शेप के कारण, और जो करंट यहां से आया वही करंट यहां से जाएगा। तो ओवरऑल आप ऐसा मान सकते हो कि आपके पास ये एक सर्किट बनेगा और ये दूसरा सर्किट बनेगा, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान देना, ये वाला करंट और ये वाला करंट इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये समझ रहे ना। ये छोटा सा लूप बना, इसका रेसिस्टेंस कम होगा क्योंकि फिगर में लिखा है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट है, इसका रेसिस्टेंस कम है इसमें करंट ज्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया इसमें करंट कम होगा। तो दोनों में करंट का डिफरेंस है तो एक नेट फोर्स लगेगा, नॉन जीरो फोर्स लगेगा। अब इसमें लिखा है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द राइट रिंग इज जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बोथ रिंग इज नॉन जीरो, ये बिल्कुल सही लिखा है बच्चों, दोनों रिंग पर नॉन जीरो फोर्स लगेगा। इसको हम लोग इधर ले जा रहे हैं तो लेंज लॉ के कारण जब अपोज होगा तो इसके वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन का फोर्स लगेगा, और ये जो रिंग है ये इस तरफ जाना चाहेगा, ठीक है ना बच्चों। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हर एक चेंज को अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा और इसको उस तरफ ले जाना चाहेगा, दोनों पे फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, इसके ऑप्शंस ये रहे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, फिगर शोज टू पॉइंट सोर्सेज एस वन एंड एस टू दैट इमिट साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 2 meters, ठीक है। द इमिशन आर आइसोट्रॉपिक एंड इन फेज एंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज इज डी इक्वल्स टू 16 meters, 16 meters यानी 4 lambda के, सॉरी 8 lambda के बराबर हो जाएगा, है ना। एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस द वेव फ्रॉम एस वन एंड वेव फ्रॉम एस टू इंटरफेयर। तो पी एक पॉइंट है, इससे और इससे दोनों वेव आकर के इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो व्हेन पी इज वेरी फार अवे यानी एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, अब हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। आपको इतना समझ में आ गया, ये 16 है और वेवलेंथ दिया हुआ है 2 meters। अब आ गया, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले लिखा है फेज डिफरेंस बिटवीन द अराइविंग वेव फ्रॉम एस वन एंड एस टू इज जीरो। शुरुआत में अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना, दूरी दोनों के बीच की अनंत है, तो ये वाला लेंथ ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा इनफाइनाइट। ये तो हमने एक पॉइंट दिया ना, इनफाइनाइट पर दोनों पैरेलल, दोनों एक जगह, जहां पर भी मान लो पी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये एस वन है, ये एस टू है, पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, तो फेज डिफरेंस जीरो होगा अगर पी पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है तो। पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। सेकंड में लिखा है इंटरफेरेंस दे प्रोड्यूस इज अप्रोक्सीमेटली फुल्ली कंजर्वेटिव, क्योंकि पाथ डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, ये भी करेक्ट है। थर्ड में लिखा है एस वी देन मूव पी अलोंग द एक्स एक्सिस, पी पॉइंट यहां कहीं इंफिनिटी पर था, उसको इंफिनिटी से ला रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग टुवर्ड्स सोर्स एस वन, ऐसे। तो जब आप इंफिनिटी पर रखोगे पाथ डिफरेंस जीरो होगा, और ये पाथ डिफरेंस कितना था 8 lambda, कहीं और पास लाएंगे तो पाथ डिफरेंस लेमडा होगा, फिर 2 lambda, फिर 3 lambda, धीरे धीरे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, फाइनली एस वन पे आकर के 8 lambda हो जाएगा। तो इसमें लिखा है एज वी मूव पी अलोंग द एक्स एक्सिस टूवर्ड्स एस वन, पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव फ्रॉम एस वन एंड एस टू इंक्रीजेज। ये सही लिखा है बच्चों, पहले पाथ डिफरेंस जीरो था, धीरे धीरे पाथ डिफरेंस लेमडा, फिर 2 lambda, 3 lambda, ऐसे बढ़ता जाएगा, ये भी करेक्ट है। फोर्थ में लिखा है एज वी देन मूव पी अलोंग द एक्स एक्सिस टूवर्ड्स एस वन फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स डिक्रीजेस। देखो बच्चों
फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या लिखते हैं, 2π/λ∆x। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, वहां पे लिखा है डिक्रीज तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी एज शोन इन द फिगर। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी के कैप, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता चल रहा है, इस डायरेक्शन में है और इतने से रीजन में है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों। देखो जब यहां से चलेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो क्यू वी क्रॉस बी, समझ पा रहे हो, यह है वेलोसिटी, यह है मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो यह ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर। यहां कहीं आप इसका सेंटर मान लो, ये ऐसे मिला देते हैं, ये दोनों रेडियस है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कहीं होगी, ये इसके साथ, देखो ये 60 है, ये 90 है, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये वाला भी 30 है क्योंकि ये 30 दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी बाहर निकल रही है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पर है, तो अगर आप इसका एक्स कंपोनेंट लोगे तो वी कॉस 60 आएगा, एक तो 60 आएगा प्लस आई कैप में, फिर दूसरा प्लस जे कैप आएगा, यहाँ पर माइनस लिखा है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये समझ में आया ना बच्चों, ठीक है, तो पहले हमें डायरेक्शन मिल गया है, अब आगे बढ़ेंगे। सेकेंड में लिखा है टाइम फॉर विच द पार्टिकल वॉज इन मैग्नेटिक फील्ड इज, देखो ये 60, ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, पूरा एंगल कितना होता है 360, और 60 डिग्री उसका 1/6 टाइम्स है, तो जो टाइम पीरियड होता है उसका 1/6 टाइम के लिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा होगा ना, तो हमें बताना है कितने टाइम के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में है। टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड बाय 6, टाइम पीरियड होता है 2πm/3b, तो इसको आप लिख सकते हो πm/3b, यही लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, अब डिस्टेंस की बात करें, ये पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/6 पार्ट है, ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले तो रेडियस लिख देते हैं mv/qb, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr का 1/6, यानी कि π/3 लिख देते हैं ना, r की वैल्यू mv/qb, जो ऑप्शन दिया है देखो उसमें πmv/3qb, यही तो लिखा है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, द पार्टिकल विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, सेकेंड और थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, यहां ऑप्शन है, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्या लिखा है इसमें, अ लार्ज हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस आर शोन बिलो स्टार्ट्स टू रोटेट फ्रॉम रेस्ट विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमने लग गया, द रोटेशन इज अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क कंटेन्स अ नैरो चैनल ऑफ लेंथ 2r, यानी डायमीटर है, एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ग्रेविटी एक्ट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी, देयर इज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर पग दैट जस्ट फिट्स इजिली इन द
aforementioned channel as so. The puck is situated a distance r from the axis of rotation. शुरुआत में ये जो पक है ये सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ठीक है बच्चों? और रोटेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया है, अब और रेडियस कैपिटल R. अब सॉल्व करेंगे. देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन, इसमें क्या लिखा है, इफ द साइड्स ऑफ चैनल आर फ्रिक्शनलेस बट द बॉटम ऑफ द चैनल हैज स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, देन पक बिगेन्स टू स्लाइड एट टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई एल्फा. ध्यान देना बच्चों, हमें क्या करना है इसमें, ये टाइम फाइंड करना है जितने टाइम के बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ बॉटम पे है तो म्यू एम जी लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स ना. म्यू एम जी ये किसके बराबर होना चाहिए, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है? और क्योंकि एल्फा गिवन है, ओमेगा को हम लोग जीरो प्लस एल्फा टी यानी कि एल्फा इंटू टी लिख सकते हैं. एम से एम को कैंसिल कर देना, म्यू जी बाई आर ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर. इसको नीचे ले आओ तो टी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी बाई आर एल्फा स्क्वायर, म्यू जी बाई आर एल्फा स्क्वायर यहां लिखा है इन केस मेंशन वन. ये करेक्ट हो जाएगा जबकि यहां पर रूट म्यू बाई एल्फा लिखा है, ये इनकरेक्ट होगा. तो ये समझ में आया, पहले तो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है. थर्ड और फोर्थ में भी देखो ऐसा ही लिखा है, इंस्टेड ऑफ सिचुएशन इज दैट एट द बॉटम ऑफ द चैनल इज फ्रिक्शनलेस. अब जो सिचुएशन है उसमें क्या है, बॉटम फ्रिक्शनलेस है और वॉल जो है उसमें फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, तो कितने टाइम के बाद स्लाइड करेगा चेक करते हैं. पहला और दूसरा तो हम लोगों ने चेक कर लिया बच्चों. ये r डिस्टेंस पर यहां पर है मान लो, तो एक वॉल से ही फ्रिक्शन लगेगा, दोनों वॉल है लेकिन किसी एक के कांटेक्ट में होगा. नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है, समझ लो a है सबस्क्रिप्ट में t है, तो इसको m अल्फा इंटू r लिख सकते हैं, at को अल्फा r. तो नॉर्मल हमें मिल गया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल. अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर के. एम से एम और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फिर से ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, जीरो प्लस एल्फा टी, वैल्यू को पुट कर देना, म्यू एल्फा इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, एक एल्फा कैंसिल, टी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई एल्फा, यानी ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट होगा. तो इसके आंसर्स कौन कौन से सही होंगे, सेकंड और फोर्थ, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ेंगे. तो देखो बच्चों अब ये नेक्स्ट सेक्शन है और इस सेक्शन में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो हमें इंटीजर के फॉर्म में देना है. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, इसमें क्या लिखा है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए is rotating in a horizontal plane about a vertical axis through one of its end. The density of the rod is rho and it is rotating at a constant angular speed omega, omega radian per second. To keep the rod at constant length, we reduce its temperature by amount delta T. ये delta T का expression दिया हुआ है. Find out the value of K where Young's modulus is. Why is Young's modulus? Alpha is coefficient of linear expansion. देखो ध्यान देना बच्चों, जब एक रॉड है, मान लो ये एक रॉड है, इसको एक एंड पे ऐसे पिवोट कर दिया और इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो जब आप ऐसे घुमाओगे जितना ज्यादा तेज करेंगे इसमें थोड़ा ना थोड़ा एक्सटेंशन होता जाएगा, उस एक्सटेंशन को ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर को कम किया जा रहा है, तो जितना एक्सटेंशन होना था रोटेशन के कारण
और जितना कंप्रेशन होना था चेंज इन टेम्परेचर के कारण दोनों इक्वल हो जाए तो लेंथ जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रॉड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट है, इसका थिकनेस dx, ये यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ये बचे हुए पार्ट के लिए लेंथ l माइनस x हो जाएगा, टोटल लेंथ l है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पर, ये जो छोटा सा सेगमेंट कंसिडर किया है, उस सेगमेंट पर क्या टेंशन लगेगा, क्या फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका मास फाइंड करते हैं। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया इस वाले पार्ट का मास। ठीक है, और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये इस जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में उसके कारण एम ओमेगा स्क्वायर आर का सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा और वही यहां पर टेंशन होगा, तो एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगा इसके बिल्कुल सेंटर पे, ये पॉइंट को हम लोग सिस्टम मान रहे हैं। ठीक है, इधर वाले पार्ट को इसके बिल्कुल सेंटर पे होगा, यानी एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, वैल्यू को पुट कर दें, डी एम है रो ए इंटू एल माइनस एक्स, और ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एल प्लस एक्स बाई टू, यानी आप इसको लिख सकते हो रो ए ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्स मिल गया। अब इस छोटे से सेगमेंट में जो इलोंगेशन होगा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों। देखो स्ट्रेन कैसे लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया, इसको अगर यंग्स मॉडुलस से डिवाइड कर दो, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। अब स्ट्रेन को अगर एक्चुअल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे तो नेट इलोंगेशन मिल जाएगा, समझ में आया ना बच्चों, जो लेंथ था उसमें नेट इलोंगेशन हम लोगों ने यहां पे फाइंड कर लिया है। और अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं, देखो F की वैल्यू क्या है, रो ये तो कैंसल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर लिख दें अपॉन 2y, ठीक है ना, नीचे ऊपर ये दोनों कैंसल, फिर ये एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको 0 से कैपिटल L के लिए, L टोटल लेंथ है, इंटीग्रेट कर देते हैं और ये जो इलोंगेशन है ये हमें यहाँ पे मिल गया बच्चों, रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू यंग्स मॉडुलस, यहाँ पर एल स्क्वायर एक्स आएगा, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा, अपर लिमिट पुट करने पर एल क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, लोअर लिमिट जीरो है, इसको पुट करने की जरूरत नहीं। ये सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, रो ओमेगा स्क्वायर इन बाई टू वाई, यहाँ पर टू एल क्यूब बाई थ्री, टू से टू कट जाएगा, इसको हम लोग रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब बाई थ्री वाई लिख सकते हैं। अब चेंज इन टेम्परेचर से भी इतना ही लेंथ का चेंज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो थर्मल स्ट्रेन की बात करते हैं अल्फा डेल्टा थीटा होता है, चेंज इन लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी इंटू ओरिजिनल लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ मिल गया, देखो एक एल कट जाएगा, अल्फा को नीचे ले जाओ, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एक एल कट गया ना, इसलिए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री अल्फा इंटू वाई, नीचे यहां पर के लिखा था तो के की वैल्यू थ्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो यही आंसर आ रहा है ना, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय थ्री अल्फा वाई, यहां पर के बदले क्या आ जाएगा, थ्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग थ्री लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन नंबर टू,
देखो सेकंड में क्या लिखा है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 2L इक्वल्स टू 6 मीटर मेड ऑफ वुड. अ सेमी सर्कुलर पोर्शन इज कट एंड अटैच्ड टू द राइट. यहां से कट करके इधर अटैच कर दिया. एज सून डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रीडिजाइंड प्लेट. ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग यहां पे ओरिजिन मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं. तो पहले जब ये इस जगह था, सेंटर कहां होगा, यहां पर होगा. पूरा ये स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट के सेंटर पे, यानी ये डिस्टेंस एल होगा. एल पर पहले था सेंटर ऑफ मास. ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह कहीं होगा. ये डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं. इतना सा डिस्टेंस और इसका सेंटर यहां, ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा. ठीक है, इसको भी आप x, इसको भी x मान लो और x को 4r by 3 पाई लिखते हैं. यहां पर देखो डायमीटर है 2l के बराबर, तो रेडियस l के बराबर हो जाएगा 4l by 3 पाई. यहां तक समझ में आया. अब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो, x कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1, यानी कि 4L square into L1, L distance पर था. ये दूसरे है, दूसरे पार्ट के लिए negative में लिख देते हैं, क्योंकि remove किया गया है. एरिया क्या हो जाएगा, pi R square by 2, और इसका जो center of mass का distance है, ये L, 2L minus X, ऐसा लिख सकते हैं, 2L minus X. फिर third part के लिए, क्या आएगा बच्चों, पाई एल स्क्वायर बाय 2, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा 2L प्लस एक्स डिस्टेंस पर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. टोटल एरिया तो अभी भी 4L स्क्वायर ही होगा. ठीक है, अब देखो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना, तो ये 2L वाला टर्म कट जाएगा, एक्स वाला टर्म डबल हो जाएगा, यानी 4L स्क्वायर इंटू एल, ये जो टर्म है, माइनस पाई एल स्क्वायर बाय 2, माइनस नहीं अभी प्लस लिख दें, प्लस लिख देते बच्चों. ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 2l वाला टर्म कट गया और प्लस होकर के 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हम लोग वहां से पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, l स्क्वायर को भी कैंसिल कर देते हैं. 4L by 4 अलग कर दिया है, प्लस यहां पर तो सिर्फ पाई बचा है ना, पाई by 4, और x की वैल्यू क्या है, 4L by 3 पाई. तो ये पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, ये भी कट गया, ये कितना आ गया, L plus L by 3. पहले L था, अब center of mass L by 3 distance shift हो गया. ये तो हमें पूछ रहा है ना, कितना displacement, तो L by 3, और L by 3 की वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं. देखो 2L 6 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और 3 by 3 हम लोग 1 मीटर लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. तो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. देखो उसमें क्या लिखा है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m स्टार्ट्स moving from the origin under the action of electric and magnetic fields. E ka dekho direction bhi ye x axis ke along hai aur magnetic field ke liye bhi ye bhi x axis ke along ja raha hai, jabki velocity y axis ke along hai. The speed of the particle will be 2v0 after time in second. Hame time batana hai ki kitne time ke baad iski speed 2v ho jaye. Theek hai bachcho, ab masses diye hue, bahut simple sa concept hum log use karenge isme. Dekho dhyan dena, एक्चुअली क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाएगा, इसका पिच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है पहले, फिर बाद में धीरे 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 ये डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा. तो एक जो इस प्लेन में उसकी स्पीड है v0, उसमें तो चेंज आएगा नहीं,
लेकिन इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, एक को तो हम लोग कह दे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा कह दे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हमेशा वी नॉट ही रहेगा, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट अगर रूट थ्री वी नॉट के बराबर हो जाए तभी रिजल्टेंट स्पीड टू वी नॉट हो पाएगा, है ना। एक तो वी नॉट है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, जैसे मान लो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके, या वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये टू वी नॉट का स्क्वायर सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है, रूट थ्री वी नॉट। तो इतना समझ में आ गया कि फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए, टू वी नॉट, और उसके लिए एक्स कॉम्पोनेंट ये टू वी नॉट हो जाना चाहिए, सॉरी रूट थ्री वी नॉट हो जाना चाहिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एक्स डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है ये किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख देते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, क्यूई फोर्स हो गया, क्यूई बाय एम इनटू टाइम टी, और यही टाइम तो हमें फाइंड करना है बच्चों। अब देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, रूट थ्री वी नॉट कितना दिया है 750, चार्ज है 5, इलेक्ट्रिक फील्ड रूट थ्री, मास 0.5 और टाइम टी। सबसे पहले तो ये रूट थ्री से ये रूट थ्री कट जाएगा, 0.5 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 75 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया 75। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों ध्यान देना क्या लिखा है इसमें, बॉटम ऑफ अ ग्लास बीकर, ये ग्लास बीकर है इसके बॉटम पे, इज मेड अप ऑफ अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैविंग बॉटम साइड सिल्वर्ड सिल्वर पॉलिश्ड एज शोन इन द फिगर। नाउ द वाटर इज फिल्ड इन द बीकर अप टू हाइट 4 मीटर, द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग एट द मिडल, यहां पर है, ऑफ द बीकर एट द सर्फेस ऑफ द वॉटर कोइंसाइड विद इट, यानी इस ऑब्जेक्ट से जो रे जा रहा है इस पर फिर वापस लौट करके अपने ही पाथ से वापस लौट जाएगा, तभी यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, हमें क्या फाइंड करना है, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। देखो बच्चों इसी फिगर को हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करते हैं सिर्फ समझने के लिए। मान लो यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है और ये दूसरा कर्व्ड सरफेस जो पॉलिश्ड है, ठीक है। यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है और ये कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर, 4 मीटर दिया है ना डेप्थ, देखो 4 मीटर। यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है। देखो ध्यान देना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां से ये इस तरफ जाएगा, कॉनकेव सरफेस है, ये इस टाइप का एक सरफेस है, इस सरफेस से नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, देखो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये इसकी तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और ये कहीं इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट को हम लोग आई मान लें, आई पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा। अब अगर ये इसके इस सरफेस पर, ये जो कर्व सरफेस है इस पर अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, तो इसी डायरेक्शन में लौटेगा और फिर से वापस इमेज ओ पर ही बन जाएगा। तो अभी ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये बहुत थिन है तो ये वाला डिस्टेंस, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है ना, तो इस कर्व सरफेस के लिए भी हम लोग इसका जो इमेज है उसको आर पे मान सकते हैं। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया, ये मीडियम है म्यू वन जिसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ये मीडियम है म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, ये कर्व सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है उस तरफ लेंगे, प्लस में आ जाएगा वी की वैल्यू माइनस आर, यू की वैल्यू -4, पुट करना है। फॉर्मूला होता है μ2 / v - μ1 / u = μ2 - μ1 / r, पुट कर दो जरा, μ2 की वैल्यू है 3/2, v की वैल्यू है r, μ1 4/3 और ये भी 4 है,
फिर 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय प्लस आर। अब ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर लेना, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी हमें जो आंसर चाहिए देखो मीटर में ही चाहिए, ये आंसर मीटर में ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है बच्चों, एन इंडक्टर कॉइल नॉन आइडियल, यानी उसको कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, अ कैपेसिटर एंड एन एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 24 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज वेरीड अ मैक्सिमम आरएमएस करंट ऑफ 6 एम्पियर इज ऑब्जर्व्ड। मैक्सिमम करंट कब होगा, ये सीरीज एलआरसी सर्किट जैसा है, तो मैक्सिमम करंट तब होगा जब इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि एक्सएल और एक्ससी भी इक्वल होने चाहिए, और उसके लिए हम लोग इम्पीडेंस आर के बराबर लिख देते हैं, यानी रेजोनेटिंग कंडीशन में। तो फिर देखो बच्चों आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 24 वोल्ट है और 6 एम्पियर का करंट है, यानी कि 4 ओम इंडक्टर कॉइल का रेसिस्टेंस होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा, इफ दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, अब डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 4 ओम, करंट इन स्टेडी स्टेट विल बी, सिर्फ इंडक्टर है ध्यान रखना, अब कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया है, तो इंडक्टर जो है एक लॉन्ग टाइम के बाद डायरेक्ट करंट में एक कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करेगा, लेकिन ये तो नॉन आइडियल इंडक्टर है, इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, तो असल में ये एक रेसिस्टर जैसा बिहेव करेगा, एक इसका रेसिस्टेंस 4 और एक इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी 4 है, तो अब अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट हो जाएगा ये 12 वोल्ट बाय 4 प्लस 4, यानी 12 बाय 8, आप इसको 3/2 एम्पियर लिख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ मिली एम्पियर में लिखा है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1.5 × 1000 मिली एम्पियर, ठीक है, तो 1500 मिली एम्पियर, 1500 एन इंटू 100, एन की वैल्यू हो जाएगी 15, ये 15 लिखा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया 15। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिर्फ देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, सब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ट्रिक से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये 6 मीटर का रॉड है, एंड मास, इसका मास दिया हुआ 1.5 kg, इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6, इट इज हिंज्ड एट वन एंड एट द डेप्थ ऑफ 4 मीटर, यहाँ पर हिंज्ड है ये वाला डेप्थ 4 मीटर, ये 6 मीटर दिया है, फ्रॉम द वाटर सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन अ टैंक, एट द अदर एंड अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द रॉड, देखो यहाँ पर ये प्लेस्ड है, सो दैट द रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद फुल इमर्शन विद वन एंड जस्ट नियर द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, इफ द मास m इज नॉट इमर्ज्ड, मास m इज 100 N इन ग्राम, वी हैव टू फाइंड n, देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो रॉड है ये यहाँ पर हिंज्ड है, तो इस पर एक टॉर्क इस तरफ जो लग रहा होगा बायंसी के कारण, एक टॉर्क इधर लग रहा होगा वेट के कारण, वो टॉर्क को बैलेंस कर देते हैं, हमें ये कैपिटल एम की वैल्यू मिल जाएगी। जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसी फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हिंज्ड है, यहाँ पर एक मास है, इसका जो पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा इस जगह से नीचे 1.5 g फोर्स लग रहा होगा, और अगर इसका मास m है तो यहाँ से mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, इसके ऊपर अब थ्रस्ट लगेगा, और देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.6, इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा 1.5 g डिवाइडेड बाय 0.6,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे क्वेश्चन को, बस इतना ही समझ लो कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 होता, इसका मतलब क्या, नीचे एम जी लगता तो ऊपर 2 mg लगता है ना, 0.5 का मतलब आधा हो गया। तो अभी यहाँ पर 0.6 है, तो नीचे अगर एम जी लग रहा है तो ऊपर क्या लगेगा, एम जी बाई 0.6, पहले 0.5 होता तो 0.5 एम जी बाई 0.5। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल सा ट्रिक हो गया। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, इस एंगल को आप थीटा मान लो, देखो ऐसे मिला देते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लो, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, इस लेंथ को एल, इस लेंथ को एल, टोटल 6 दिया है तो 3 मीटर हो जाएगा, जरूरत भी नहीं पड़ने वाली उसकी। देखो अब इस पॉइंट के अबाउट एक तो इधर टॉर्क लगेगा, एक इधर टॉर्क लगेगा, दोनों को बैलेंस कर देना है। इधर का नेट टॉर्क क्या होगा, 1.5g/0.6 -1.5g, ये नेट फोर्स अपवर्ड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेंगे, क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, देखो यहां से mg लग रहा है नीचे, टोटल लेंथ 2l, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2l cos थीटा, तो हम लोग इसको लिखेंगे mg into 2l cos थीटा, हो गया। l cos थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, l गिवन हो या ना गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा भी कट गया है। g को भी हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 1.5 अगर कॉमन ले ले तो यहां आ जाएगा 10/6 -1, 1/0.6 को ऐसे लिख दिया, यहां तो कोई कुछ बचा नहीं, इस तरफ क्या आएगा 2m, ठीक है। अब इसको आप 3/2 लिख दो, ये क्या हो गया 5/3, 5/3 को जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 5 -3/3, ये 2m की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई बच्चों, यानी m की वैल्यू होगी 1/2 किलोग्राम, अगर इसको आप ग्राम में लिखते हो तो ये 500 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, और 500 हमें देखो इसमें ग्राम में आंसर करना है, ग्राम में, तो 100 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। बस यही था लास्ट क्वेश्चन शायद, है ना, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक थे, हो गए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये जो सॉल्यूशन था समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं होते आमतौर पर, जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बस ट्रिक्स का ध्यान रखना है और रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिवाइज करते रहना है। जुड़े रहिए हमारे साथ और डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होगा बच्चों। बस इसी शुभकामना के साथ आज का ये लेक्चर यही एंड करते हैं, थैंक यू।